नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्निंग फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश एसएसएल के अंतर्गत जो भाग एक है उस भाग एक को पढ़ेंगे। और जो ये भाग होगा इसके अंतर्गत हम लोग वस्तुतः जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है उसको देखेंगे। इसके अतिरिक्त इसकी जो प्रशासनिक संरचना है उस प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी वीडियो पे सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह जो श्रृंखला है आपके एग्जाम जो कि लेखपाल है उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग विधिवत जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी भौगोलिक विस्तार की बात करें, इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वास्तव में, ठीक है, उत्तर प्रदेश वास्तव में जो बात करते हैं, जैसे आपको मालूम होगी जो हमारा अर्थ था, इस अर्थ को हम लोग पहले क्या कहते थे, पैंजिया, यानी जो होल अर्थ था उस होल अर्थ को हम लोग क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। इसी प्रकार से जो आपको पूरा समुद्र था, इस पूरे समुद्र को हम लोग क्या कहते थे, पेंथालासा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी के पॉइंट आप दूसरे भी चीजों को देखेंगे। होता क्या कि इसके बीच में भ्रंश होता है, ऊपर वाला आपका अंगारा लैंड, ठीक है, नीचे वाला आपका गोंडवाना लैंड। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए, आपको मालूम होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कुछ इस प्रकार से पूछते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो आपका किसका पार्ट था। तो उत्तर प्रदेश जो था वो भी आपका क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। क्योंकि आप देखेंगे कि जब पूरा भारत आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो उत्तर प्रदेश वास्तव में गोंडवाना लैंड का पार्ट जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले अगर पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट था। चलिए अब देखिए इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आपको मालूम होगा इसके उत्तर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो संरचना मिलेगी, इस संरचना को हम लोग, ठीक है, आपके सहारनपुर से उधर गोरखपुर तक जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ये आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा। इसके नीचे जो ये आपको समतल संरचना दिखाई देगी, इस समतल संरचना को हम लोग मैदानी क्षेत्र कहेंगे। ठीक, उसके नीचे आएंगे आपको मालूम होगा जो विंध्यन है, ठीक है, जो ये आला आपका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, पठारी संरचना यानी पठारी क्षेत्र। तो कुल मिलाकर अगर इसकी भौतिक विभाजन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपको तराई क्षेत्र भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में पठारी क्षेत्र और आपका मैदानी भाग गंगा यमुना का तो विशाल मैदान क्षेत्र है ही है। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और उत्तर प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के संबंध में जानकारी एकत्रित करनी है और आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आपके भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यानी अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल आपका 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन है, यानी इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार में आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले इसकी विस्तार की हम लोग बात करते हैं तो विस्तार में आप लोग पाएंगे कि सबसे पहले आपको मालूम होगा ये लंबाई होती है, ठीक है, इसको लंबाई बोलते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम जो आपकी इसकी लंबाई है वो 240 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण जो इसकी चौड़ाई है, सॉरी
ये 650 है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई वो आपके 240 किलोमीटर है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं इसके सबसे उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी जिले की बात करते हैं। सबसे पूर्व में आप जानते होंगे बलिया है। ठीक है, सबसे उत्तर में आपके सहारनपुर है। सबसे जो दक्षिण है, सबसे दक्षिण में आप सोनभद्र पाएंगे। और जो सबसे पश्चिम में आप क्या करेंगे, शामली को देखेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली, ये आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी आपके जिले हैं। यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल 1-to-1 करके क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए प्रश्न आपसे वो पूछेंगे कि ये बताइए जो सहारनपुर है, सहारनपुर कितने प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो सहारनपुर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और इधर आपका हरियाणा, इनके साथ आपकी सीमा बनाता है। अगर नीचे आप जानते होंगे सोनभद्र के बारे में, तो सोनभद्र के बारे में आप देखते होंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड और झारखंड के बाद में आपका बिहार है। इनके साथ क्या करता है आपका सोनभद्र आपकी सीमा बनाता है। और आप जानते होंगे सोनभद्र उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत में एक बात ऐसा जिला है तो चार प्रदेशों के साथ में आपकी सीमा बनाता है। तो यहाँ तक चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर होती चली जा रही होंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसका जो विस्तार है उस विस्तार को देखते हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो उत्तर प्रदेश है कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ आपकी बनाता है। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो आपको मालूम होगा जो उत्तर प्रदेश है वो टोटल 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूपी और प्लस 1 इंटरनेशनल बाउंड्री। वो 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? देखेंगे 8 राज्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से चलते हैं। आपको मालूम होगा कि वास्तव में जो उत्तराखंड था वो किसका पार्ट था, उत्तराखंड इनिशियली वाज दी पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का ही वास्तव में पार्ट था जो कि 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश 13 जिलों को, जो आप जानते हैं पहाड़ी राज्य के रूप में जिसे जानते हैं, 9 जिलों को काटकर आपका उत्तर प्रदेश बनाया गया है। अभी आप जानते हैं उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं विधानसभा की 403 सीटें हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते हैं तो आपको वहां पर आपके टोटल 70 सीटें मिलती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बता रहे हैं अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर इस मैप के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर उत्तराखंड मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको हरियाणा मिलेगा। ठीक है, हरियाणा के बाद यहाँ आपको दिल्ली मिलेगा, फिर थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपको हरियाणा का मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर राजस्थान मिलेगा, राजस्थान के नीचे आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश के बगल में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के बगल में आप देखेंगे यहाँ पर आपका एमपी होगा, एमपी के बाद में आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड और झारखंड के बाद में आपका बिहार। यानी तो आप तो देखेंगे टोटल 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में आपकी सीमा बनाते हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वास्तव में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है और साथ ही साथ में सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश यानी के साथ सबसे लंबी सीमा, सॉरी सबसे छोटी सीमा, और जबकि आप जानते हैं एमपी, एमपी के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी कितने हैं आपके 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ तक वो चीजें बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश बनाता है वो इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ में आपकी शेयर करता है।
ठीक है, किसके साथ में आप उत्तर प्रदेश शेयर कर रहा है, यानी कितने राज्य कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे पीलीभीत में भीत के बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद हम लोग बात करते हैं आपका बहराइच, ठीक है, फिर आपका बलराम श्रावस्ती, ठीक है, फिर बलरामपुर, फिर आपका सिद्धार्थनगर और फिर आपका महाराजगंज, यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्य हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, और ये राज्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे आपके बारी बारी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आएंगी। एमपी के साथ आपके 11 जिले हैं वो आपकी सीमा साझा करते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आपकी अगल बगल उसके स्टेट है वो स्टेट है, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है उसके संबंध में कुछ जानकारी। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में। प्रशासनिक संरचना आप जानते हैं, प्रशासनिक संरचना वह प्रशासन करने की इकाई होती है। आप जानते हैं कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतने बड़े उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने क्या है कुछ जिलों में, पहले तो मंडलों में बांटा है और उन्हीं मंडलों को हम लोगों ने कुछ जिलों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपके कितने मंडल हैं, सबसे नवीन मंडल कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है और आपका सबसे छोटा मंडल कौन सा है, इन सबों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और आपको समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसे आपको मानव प्रशासनिक संरचना की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे आपके 75 जिले, ठीक है, 351 तहसील, 822 ब्लॉक, ठीक है, जितने जिले उतने जिला पंचायत भी हैं, ठीक है, 18 मंडल, ठीक है, 17 नगर निगम, ठीक है, ये सब कुछ डाटा है जो आपके आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग मंडलों पर बात कर लेते हैं। अगर हम मंडल की बात करते हैं तो टोटल आप जानते हैं कि 18 मंडल हैं। इस मंडल में हमको सबसे बड़े मंडल, मंडल को हम लोग संभाग कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में सबसे छोटा, ठीक है, इसके बारे में बात करें। देखिए सबसे बड़े अगर मंडल की बात करते हैं तो आप इसको याद करें कमल, इसमें आपका कानपुर, इसमें आपका मेरठ और ये लखनऊ। प्रत्येक संभाग में आपके टोटल 6 जिले हैं, ध्यान दीजिएगा 6 जिले हैं। आगे हम लोग बात करें सबसे छोटे संभाग की, इसमें आपका मिर्जापुर आ जाएगा, ठीक है, आजमगढ़, ठीक है, बस्ती, इन सबों में आपके 3 जिले हैं, ठीक है, यानी आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात सबसे बड़े मंडल की कानपुर मेरठ लखनऊ, प्रत्येक में 6 जिले हैं। सबसे छोटे मंडल की बात करते हैं मिर्जापुर आजमगढ़ और बस्ती, इसमें आपके 3 जिले हैं। और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे नवीन मंडल की, तो सबसे नवीन मंडल आपका अलीगढ़ है। और आगे हम लोग अगर बात करते हैं, अभी 1900 मंडल की बात चल रही है, हालांकि 1900 मंडल आपके भी अस्तित्व में नहीं आया है, ठीक है। नगर निगम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका शाहजहांपुर 27वां नगर निगम, ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि हम लोग प्रशासनिक संरचना से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, विधायी संरचना की ओर बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से आपके पूरे भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है, जिसको हम लोग लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। उस त्रिस्तरीय व्यवस्था में 3 स्तर पे सरकारें होती हैं, आप जानते हैं केंद्र के स्तर पे होती है, राज्य के स्तर पे होती है और साथ ही साथ में लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्तर पर आपकी सरकारें होती है।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ इस लिहाज से पढ़ेंगे कि आपको ये मालूम हो सके कि जैसे अभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, इन सभी की चीज़ों को हम लोग करेंगे और जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो। वैसे भी आप लोग लेक्चर को पूरा नहीं देखते हैं, जो लोग भी यहाँ तक लेक्चर को देख रहे हैं यानी वीडियो को यहाँ तक उन्होंने सीन किया है उनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि वो जो वीडियो अगर उनको पसंद आ रही होगी तो वीडियो उसको अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं विधायक विधि के स्तर पर यानी विधायी कुछ स्ट्रक्चर उस संदर्भ में। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो विधि है विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था आपकी संसद है, ठीक है, और संसद आपको मालूम होगा लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनी होती है। लेकिन हमको हम यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ हमको यहाँ पर बात करना है कि लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, टोटल आपकी कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जैसा कि आपको मालूम होगा लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त देखिए दो चीज होता है, एक संघीय व्यवस्था होती है एक संसदीय प्रणाली होती है। संसदीय प्रणाली मतलब क्या होता है कि संसद होती है, संसद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात सॉरी भारत के संदर्भ में अगर बात करें द्विसदनीय व्यवस्था है यानी लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। संघीय मतलब क्या होता है कि एक से अधिक स्तरों के सरकारों का होना। तो संघीय व्यवस्था में आपका केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है और हम लोग बात करते हैं राज्य स्तर पर भी सरकार होती है। जब राज्य स्तर पर सरकार होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी आपकी विधायिका होगी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। आपको मालूम होगा कि भारत के कुल 6 राज्यों में जो विधायिका है वो आपका द्विसदनीय है और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है और यानी कि द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। इस द्विसदनीय विधायिका में हम लोग देखेंगे आपको मालूम होगा यहां पर आपका मिलता है राज्य सॉरी यहाँ पर आपको मिलेगा विधानसभा और इधर आपको मिलता है विधान मंडल, ठीक है। इस विधानसभा में आपको क्या मिलेगा, आप विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में टोटल 403 सीटें हैं, ठीक है। यही विधानसभा की बात करेंगे तो 100 सीटें हैं। आपको मालूम होगा कि इससे पहले एक आंध्र भारतीय इसकी नियुक्त की जाती थी, हालांकि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जिसके द्वारा जो यह व्यवस्था है इस व्यवस्था को हम लोगों ने क्या किया है हटा दिया, ठीक है। तो चलिए आशा ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि चीजें आपको समझ में आ रहेगी। अगर वीडियो को आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इसका जो आगे वाला पार्ट है जैसे यहाँ की जलवायु हो गया मिट्टियां हो गए इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।